हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, और आप सभी को पता है कि जो यूपी बीएड की काउंसलिंग चल रही है उसमें सेकंड राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल देर रात 12 बजे सेकंड राउंड वालों को कॉलेज अलॉट हो गया, अलॉटमेंट रिजल्ट आउट हो गया था। और बहुत सारे बच्चे वेट करना पड़ा, लेकिन करना पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि भाई बहुत लेट कर देते हैं लोग। खैर, रात देर 12 बजे जो है वो अलॉटमेंट रिजल्ट आपको देखने को मिल गया होगा। जिसने नहीं देखा था सो गए थे, तो अभी जाकर देखो, आपको देखने को मिल जाएगा। अलॉट हुआ होगा तो अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, अब आगे की रणनीति की मैं बात करने वाला हूं, आगे का प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं आपको कि जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है अब उनको आगे क्या करना है, फीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, सीट कंफर्मेशन करने की लास्ट डेट क्या है, इसके साथ साथ फीस कहां जमा होगी, ऑनलाइन ही पे होगा या फिर कॉलेज में जाकर सबमिट करना होगा, सीट कन्फर्म होने के बाद यानी फीस सबमिट करने के बाद में आपको कॉलेज जाने की लास्ट डेट क्या है, कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको क्या करना है, इसके साथ साथ दोस्तों थर्ड फेज वालों को लिए भी एक अच्छी खबर है सरकारी सीट को लेकर दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, खासकर सेकंड राउंड वालों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीट कंफर्म करने से पहले, फीस पे करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान देना है, कुछ चीजों को आपको चेक करना है, उसके बाद ही फीस पे करना है। तो आगे मैं इन्हीं सारी चीजों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। अगर इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको देता हूं तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, देख सकते हैं बीएड दूसरे चरण में 15,421 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। दोस्तों, अब यहां पर जो तीसरा चरण का काउंसलिंग है वो चालू है, ठीक है। इसमें अब जिनको भी सेकंड राउंड वालों को, जिनको कॉलेज नहीं मिला कोई भी, जैसे आपने कोई कॉलेज डाला, 8-10 कॉलेज डाला या 4-5 कॉलेज ही डाला, कॉलेज नहीं मिला, हालांकि कॉलेज उन्हीं को नहीं मिला है जिन्होंने 5-7 कॉलेज से कम ही कॉलेज डाला था, ठीक है। तो जिनको कॉलेज नहीं मिला है दोस्तों, वो तीसरे चरण में यानी जो चरण चल रहा है इसमें फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते, तो कोई पैसा नहीं देना होगा, यानी ना ही आपको 5,000 एडवांस फिर से देना होगा, ना ही ₹750 आपको फिर काउंसलिंग शुल्क देना होगा। बिल्कुल फ्री आपका जो काउंसलिंग है वो दोबारा आप निशुल्क हिस्सा ले सकते हैं तीसरे चरण में। फर्स्ट चरण वाला भी अगर कोई बच्चा छूट गया है वो भी ले सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है यहां पर कि अभी भी तीसरे चरण में, जैसे कि आप सभी को बताया पहले चरण में जब काउंसलिंग कंप्लीट हुई तो उसमें 1627 सीटें सरकारी सीटें बच गई थी, जिसमें दूसरे चरण वालों को मौका मिला इनको भरने के लिए। उसके बाद दोस्तों सीट भरने के बाद भी 200 सीट जो है वो सरकारी और राजकीय कॉलेज की लगभग 200 सीटें अभी भी बच गई है, जो अब तीसरे चरण वाले इनको फिल करके मौका पा सकते हैं इनको हासिल करने का, ठीक है। तो दोस्तों, अब आप सभी को पता है कि जो आपका कॉलेज है वो आवंटित हो गया, आपको अलॉटमेंट डिटेल्स आपने देख लिया होगा, इस तरीके की अलॉटमेंट डिटेल दिखाएगा आपको, यहां पर दिखा रहा होगा कि कौन सा कॉलेज मिला है, कॉलेज नेम आपको दिखा रहा होगा, किस यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है ये आपको दिखा रहा होगा, कॉलेज का कोड दिखा रहा है, और कौन सा प्रेफरेंस का आपको कॉलेज मिला, यानी कि आपका पहला नंबर वाला कॉलेज मिला जो आपने डाला, ये 10वां नंबर वाला मिला, ये सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अब यहां पर दिखा रहा है कि 5,000 आपने एडवांस जमा किया था, 51,250 रुपये इस कॉलेज की फीस है, आपको बाकी की फीस 46,250 रुपये और पे करना है। जो फीस पेमेंट करना है वो ऑनलाइन ही करना है, यहीं से होगा दोस्तों, और सीट कंफर्मेशन ही तभी होगा जब आप बाकी की फीस सबमिट करोगे। तो दोस्तों, ये काम करने से पहले, फीस बाकी की फीस सबमिट करने से पहले, आप सभी लोग इस कॉलेज के बारे में, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस प्राइवेट कॉलेज, खासकर प्राइवेट कॉलेज जिनको मिला है उनको ध्यान देना है कि उस कॉलेज के बारे में जानकारी ले लेना है कि ये कॉलेज कैसा है। बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लूटते हैं पैसा, बाद में बहुत सारा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ड्रेस का चार्ज, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक से एक चीज़ें वो बता के रखते हैं, और कॉलेज वाले यहां तक कि जब जाओ तो वहां पर पता नहीं कौन सा अपना खुद का फॉर्म भराते हैं, उसमें भी 2,000-4,000 रुपए लूट लेते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का। तो इन चीजों का ध्यान रखना, आपको कॉलेज कैसा ये पता करना है। कॉलेज कैसे पता करेंगे, आप मुझसे बात कर सकते हो, कॉलेज कैसा है सर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपने कॉलेज का नाम बताइए, मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये कॉलेज मिला है, सर ये क्या कॉलेज ठीक है, मुझे इसमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मैं आप सभी को रिप्लाई कर रहा हूं, सभी को हेल्प कर रहा हूं, सभी को एडवाइस दे रहा हूं, जो भी चीज जानकारी चाहिए सभी को जवाब दे रहा हूं। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे ये चीज पूछ लीजिए कि सर ये कॉलेज कैसा है, उसके बाद ही बाकी की फीस सबमिट करिए, ठीक है। और आगे की रणनीति के लिए, आगे के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, इसकी पूरी लिस्ट जो है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, वो आपको इसी ग्रुप में भेज दूंगा, ये ग्रुप बना रखा है बीएड स्टूडेंट करके अपने इंस्टाग्राम पर, इस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस ग्रुप में जितने भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट वगैरह है वो सब भेजता रहता हूं, लास्ट डेट वगैरह जो भी अपडेट है वो सब बताता रहता हूं। तो बीएड स्टूडेंट केवल जुड़े हैं नए सत्र के, इनमें इसको आप ज्वाइन कर लो, काफी अपडेट मिलेगी आपको,
काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो भैया कॉलेज की बाकी की जो फीस है वो सबमिट करने से पहले मुझसे इंस्टाग्राम पे एक बार बात कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें ताकि आगे की अपडेट्स मैं आपको देता रहूं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मेरे इंस्टाग्राम का और इंस्टाग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लें और फॉलो कर लें मुझे। और जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, इसके साथ कॉलेज के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है। ठीक है, अब दोस्तों आगे जैसे कि मान लो ठीक है सर कॉलेज अच्छा है तो कैसे ऑनलाइन पैसा, देखिए जो पैसा बाकी बच रहा है 46,250 रुपए वो आपको कॉलेज में नहीं जमा होगा, वो ऑनलाइन ही पे होगा। ऑनलाइन पे करेंगे तभी आपका सीट कंफर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाकी की फीस दिखा रहा, पेमेंट टाइप दिखा रहा है, तो इस आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर आप डिक्लेरेशन पर टिक करके एक्सेप्ट कॉलेज पे क्लिक करेंगे। जैसे एक्सेप्ट कॉलेज पे क्लिक करेंगे आप बैंकिंग पोर्टल पर चले जाएंगे, वहाँ पर आप अपने बाकी के जो पेमेंट डिटेल्स हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग जिसके थ्रू आप बाकी की फीस जो है वो सबमिट करना चाहते हैं वो आप पे करेंगे। पे करने के बाद थोड़ी देर बाद 1 से 2 घंटे बाद आप वापस से अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आने लगेगा। आप उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है आपको और उसके बाद उसी को लेकर आपको कॉलेज में विजिट करना है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये सीट कंफर्मेशन करने की लास्ट डेट क्या है और कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, ये भी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर जो शेड्यूल में बताऊंगा, शेड्यूल में सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए शेड्यूल जो था हमारा सेकंड राउंड का, ये सेकंड राउंड का शेड्यूल है, यानी येलो वाला जो है ये सेकंड राउंड की शेड्यूल है। ठीक है, और हमारा सेकंड राउंड कब अलॉट हुआ, देखिए ये 3 तारीख को अलॉट हुआ ना, ये देखिए 3 तारीख को अलॉट हुआ हमारा सेकंड राउंड का रिजल्ट। ठीक है, अलॉटमेंट हुआ। अब यहाँ पर देखिए 3 के बाद में 4 से लेकर 9 तारीख तक, कितने तारीख तक, 4 तारीख से लेकर यानी आज से लेकर 9 तारीख तक आप सीट कंफर्मेशन एंड फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यानी कि जो आपकी बाकी की 46,250 रुपये जो फीस है सीट कंफर्म करने की, एक्सेप्ट करने की, कॉलेज एक्सेप्ट करने की, उसमें आपको कितने दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन आपके पास अभी भी हैं सोच विचार करने के लिए कि सीट कैसा है, बात कर लीजिए। क्यों जल्दबाजी, जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सीट कहीं चला जाएगा। ये 4-5 दिन आपको अभी भी वैसे ही ऑप्शन आएगा आपका सीट कंफर्म करने का, एक्सेप्ट करने का, बाकी की फीस सबमिट करने का। तो थोड़ा सा कॉलेज के बारे में रिसर्च कर लो, पूछ लो, मुझसे जानकारी ले लो, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे उस कॉलेज के बारे में बात कर लो कि सर ये मैं जो कॉलेज मिला है कैसा कॉलेज है, ठीक है या नहीं ठीक है। इन सब चीज़ों को जानकारी लेने के बाद ही आप 9 तारीख तक आप सीट कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो सीट यानी फीस बाकी सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर होने वाली है। ठीक है, 9 अक्टूबर तक आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, आराम से आप सोच समझ के पैसे का अरेंज करके सब कुछ करके आप उसके बाद सीट कंफर्म कर लीजिएगा। अब सीट कंफर्म करने के बाद में आपको एक दूसरा काम करना होता है, कॉलेज में विजिट करना होता है, बाकी के डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने होते हैं और वेरिफिकेशन कराना होता है डॉक्यूमेंट का। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, देखिए पूरा डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने तैयार कर रखी है, कम करीब करीब 17 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको एक फाइल में बनाकर लेकर जाना है वहां पर, ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाना है और जो फोटोकॉपी है उनको भी सभी की फोटोकॉपी करा लेना है। ये 17 डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके एक फाइल बनाना है और फीस पेमेंट करने के बाद में आपको कॉलेज विजिट करना है। अब कॉलेज विजिट करने की लास्ट डेट क्या है ये भी पूछेंगे आप बच्चे, तो देखिए भैया 9 तारीख कंफर्मेशन लास्ट डेट है, यानी 9 तारीख तक तो आप केवल फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है, उसके बाद आप जब फीस यानी 9 के बाद 9 तारीख के बाद में, क्योंकि कुछ बच्चे 9 को भी तो सबमिट करेंगे फीस, तो 9 तारीख तक तो कोई टेंशन नहीं है, आप जाओ कॉलेज ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 तारीख के बाद 3-4 दिन और आपको मौका मिलेगा, यानी कि आप 12-13 अक्टूबर तक कॉलेज विजिट कर सकते हो अपने और बाकी की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वेरिफिकेशन करा सकते हो और सबमिट करके अपना एडमिशन जो है फाइनल कर सकते हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम के ग्रुप पे भेज रखा है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर से दोबारा भेज दूंगा, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपको सारे अपडेट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, उस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा और उस लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उन सभी का आप बाकायदा प्रिंट आउट करवा लेना, फोटोकॉपी करवा लेना। ठीक है, सब कुछ मैंने करवा दिया है। सो आई होप कि आपको सभी जानकारियाँ मिल गई होंगी, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बाकी की सवाल आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो और जो भी चीज़ें मैंने बताया है उन चीज़ों को सोच समझ के उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो, कंफर्म सीट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको सामने दिख रही है, यूज़र आईडी भी सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ग्रुप का और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का दोनों का दिया गया, आप मुझे जाकर फॉलो कर लीजिए और मैसेज करके सारी जानकारी ले लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। थैंक यू।